हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहा रेसिपी जो झटपट बन जाता है और ये हेल्दी भी है खाने में। आइए पोहा रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया हुआ पैन, इसमें हम गर्म करेंगे एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम मूँगफली रोस्ट कर लेंगे। मूँगफली रोस्ट हो जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच सरसों के दाने, लाल और हरी मिर्च। हमने इसको लंबाई में कट किया है, आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। इसमें हम लेंगे कुछ काजू और बादाम के टुकड़े पीसेस और आधा चम्मच हल्दी पाउडर यूज करेंगे, इससे पोहे का कलर बहुत अच्छा आता है। इंग्रेडिएंट्स फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे पोहा जिसको मैंने पानी में धुल लिया था। पानी में बहुत देर तक पोहे को नहीं धुलना है वरना बहुत ही ज़्यादा गीला बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। अच्छे से मिक्स कर जाने के बाद देखिए इसका कलर एकदम येलो हो गया है हल्दी की वजह से। इसमें हम डालेंगे नमकीन, तीखी नमकीन और बारीक कटा हुआ प्याज। बारीक कटे हुए टमाटर बारीक कटी हुई धनिया। लीजिए आपका पोहा रेसिपी बनके तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।